ये लो मम्मी आपकी चाय। मम्मी जी, मम्मी का ना घर से कई बार फोन आ चुका है बुलाने के लिए। अब बेटा मैं क्या कहूँ, मेरे तो जब से ये घुटनों का दर्द हुआ है अपना ही काम हो जाए यही बहुत है। अब घर को संभालना तू बता। मम्मी जी अगर आप कहो तो मैं दीदी से बात कर लूँ, वो आएंगी तो हैं ही 10-15 दिन के लिए, तो अगर वो 2-3 दिन संभाल लेंगी तो मैं बेफिक्र होकर घर चली जाऊँगी। कह तो बहू तू सही रही है, वो यहाँ आ जाएगी तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी। ठीक है तू बात करके देख ले उससे तो। ठीक है मम्मी जी, मैं दीदी से बात कर लेती हूँ। हेलो दीदी। नमस्ते भाभी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी। अच्छा दीदी एक बात बताओ, आप घर कब आ रही हो? आपने याद किया तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, आपने बड़ी चिंता करी। बताओ ना दीदी। बड़ी बेसब्री हो रही है अपनी नन से मिलने की है। दीदी सच बताओ, मम्मी का है ना 2-3 दिन बाद से ना फोन आ चुका है मिलने के लिए। अब अगर आप आ जाती ना तो मैं बेफिक्र होकर घर चली जाती। अब देखो मम्मी के तो आपको पता ही है, उनसे तो ठीक से चला फिर अभी नहीं जाता। अब देख लो ना दीदी, अगर आप आ जाओ तो। ओहो महारानी की ये चाल है, ये तो मुझे घर काम करने के लिए बुला रही है। सोच ले रेनू, अगर चली गई ना तो पीहर में भी पिसना पड़ेगा। हेलो। नहीं नहीं। हेलो हेलो दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सुन रही हूँ। तो दीदी बताओ ना कब आओगी, फिर मैं उसी हिसाब से प्लान बनाऊंगी अपना जाने का। भाभी इस महीने तो नहीं लग रहा कि मैं आ पाऊंगी। क्यों दीदी क्या हुआ? वो क्या है ना, बात ऐसी है कि इस महीने ने इनको एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, पूरे महीने ऑफिस जाना पड़ेगा। अब बताओ मैं इन्हें ऐसे छोड़ के तो नहीं आ सकती ना। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं दीदी, अब आप भी क्या कर सकती हो। चलो कोई नहीं। अच्छा दीदी नमस्ते। मुझसे चालाकी खेलेगी, मैं काम करने के लिए ही रह गई हूँ। हाँ मम्मी। नहीं मम्मी, मम्मी मेरी भी मजबूरी है, क्या करूँ। नहीं मम्मी, हाँ की थी बात, वो नहीं आ पाएंगी। ठीक है। बहू तूने रेनू से बात की? क्या कहा उसने? मम्मी दीदी नहीं आ पाएंगी, वो जियाजी को ना इस महीने एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो उन्होंने तो आने से मना कर दिया। अब वो बेचारी वहाँ फंस गई, नहीं तो वो आए बगैर रहती नहीं। हाँ मम्मी क्या करें, सब मजबूर हो जाते हैं। बहू तू ऐसा कर, तू बना ले 1-2 दिन का प्रोग्राम अपना जाने का। 1-2 दिन मैं संभाल लूँगी, देखा जाएगा। कैसे कर लोगी मम्मी, कैसे संभाल लोगी? आपसे ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता। अब खाना भी बनाना पड़ेगा, चाय भी बनानी पड़ेगी, कौन बनाएगा? अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं तेरी वो बराबर वाली आंटी की बहू से बोल दूँगी, वो कर देगी 1-2 दिन खाने का, देख लेगी वो। तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगी यहाँ पर। तू जा, साल भर हो गया बेटा तुझे जाए हुए वहाँ पर, जा तू। पक्का मम्मी? देख लो आप। हाँ हाँ तू जा, मैं कह रही हूँ ना। हाँ आ गई, बस बेचारे 2 ही दिन रुक पाई। अब बेटा तुझे भी पता है मेरी मजबूरी, मैं भी क्या करूँ। अच्छा बेटा खुश रहो। देखा माँ से मिलने के बाद तेरा चेहरा कितना खिल गया है, इसीलिए मैं कह रही थी। हाँ मम्मी वो तो है, अगर आप हिम्मत नहीं दिखाती ना तो। मैं तो देख ही रही थी,
तभी तो मैंने तुझे भेजा था। अब क्या करूं बेटा, मेरी भी मजबूरी है। सच बताऊं, माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है। सही में मम्मी? हाँ वही तो, मैंने तो कही थी। मम्मी जी नमस्ते। हेलो भाभी, क्या हुआ? आप दोनों को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? हाँ सब ठीक है, अब तू खड़े खड़े ही बातें करेगी, आ बैठ। दीदी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये लो दी। दी चाय लोगे या कॉफी लोगे? भाभी चाय पीऊंगी, वो भी अदरक वाली, पता है इतना सारा सामान हो गया था। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए अदरक वाली चाय ले आती हूँ। सामान? लेकिन सामान कहाँ है तेरा? अरे मम्मी वो तो मैं नीचे वाले कमरे में रख के आई हूँ। मैं दीदी से पूछ लूँ, चाय के साथ पकौड़े बना दूँ। चलो पूछ लेती हूँ पहले। अच्छा, लेकिन तू तो कह रही थी कि दामाद जी को छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर तू? अरे मम्मी वो तो मैंने भाभी की वजह से झूठ बोला था, तैयारी तो मैंने पहले कर ली थी आने के लिए। वो तो जब भाभी ने बताया ना कि मुझे घर जाना है, अब मैंने तो अपना आना ही कैंसिल कर दिया ताकि उनका जाना ही कैंसिल हो जाए। अब बताओ मैं क्या यहाँ काम करने के लिए आती हूँ? जब आपने मुझसे फोन करके कहा ना कि तेरी भाभी आ गई है, तभी मैंने आने का प्रोग्राम बना लिया। देखा मेरी चालाकी? बहुत अच्छा किया बेटा तूने तो, मुझे तो पता ही नहीं था तू इतने समझदार हो गई है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये करते हुए? तू एक साल में 4-5 बार चक्कर लगा जाती है यहाँ का, और तेरी भाभी को साल साल भर हो जाता है वहाँ गए हुए। वो बेचारी तो मेरी वजह से जा भी नहीं पाती। तुम उससे मिलने इतनी उतावली रहती है, क्या तूने अपनी भाभी के बारे में सोचा कभी? क्या उसका मन नहीं करता होगा अपनी माँ से मिलने का? अरे 3-4 दिन पहले तू आ जाती तो वो रह आती ना अपनी माँ के पास आराम से। एक बात बताऊं, वो रह तो रही होगी अपनी माँ के पास, लेकिन उसे चिंता बस मेरी ही लग रही होगी। अरे तू 2-4 दिन पहले आ जाती, वो कम से कम सुकून से तो रह लेती वहाँ पर। तो इतनी स्वार्थी हो जाएगी, मुझे नहीं पता था।